उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया है। तो मेरा एक सवाल बनता है कि चाहे मणिन्द्रनाथ मंडल जी रहे, शहीद शक्तिनाथ महतो रहे, नेपाल रवानी रहे, रसिक हंसदा रहे, इन्होंने अपने जान का त्याग क्यों किया? इनका भी घर परिवार था, इनकी भी पत्नी थी, इनके भी बच्चे थे, इनका भी समाज था, तो आखिर किस उद्देश्य के साथ इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी? तो कहीं ना कहीं जो सबसे पहला उद्देश्य आता है, अलग झारखंड राज्य का गठन, एक अलग झारखंड राज्य का निर्माण, जिसका सपना मणिन्द्रनाथ मंडल जी ने देखा था। उनके साथ साथ उनके समय कालखंड में तमाम जो आंदोलनकारी क्रांतिकारी रहे थे उन्होंने देखा था। यानी अगर साफ शब्दों में और कम शब्दों में कहा जाए कि मणिन्द्रनाथ मंडल जी ने अपना जान क्यों दिया था, तो सवाल का उत्तर मिलेगा अलग झारखंड के निर्माण के। अलग झारखंड के निर्माण के लिए यही सवाल का उत्तर मिलेगा। जब यही सवाल का उत्तर है कि मणिन्द्रनाथ मंडल का त्याग, उनका जान अलग झारखंड के निर्माण में हुआ है, तो कहां है अलग झारखंड? हम ये सवाल करेंगे, कहां है अलग झारखंड? किसके लिए अलग झारखंड? प्राणों की आहुति देने के बाद अलग झारखंड, किसके लिए अलग झारखंड? आज चूंकि हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे ज्यादा संख्या में हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई जो आज पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में पढ़ते हैं, मैं इन्हीं से शुरुआत करता हूँ कि झारखंड किनके लिए बना था? झारखंड इसलिए बना था कि आज जो लोग पांचवा में पढ़ते हैं, जो लोग दसवां में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो ग्रेजुएट में पढ़ते हैं, आने वाले दिन इस राज्य की नौकरियों में उनको प्राथमिकता मिलेगी। तो क्या इनका, ये जो बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं, केवल इनके स्कूल का ड्रेस का रंग बदला है, इनकी तकदीर आज भी धराशायी है। आज ये लोग यहाँ स्टेज में परफॉर्मेंस किए, हमने बधाई दिया। ये लोग दसवीं में, बारहवीं में 80% 90% नंबर लेकर आते हैं, हम लोग बधाई देते हैं, हम लोग सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि मेरी बहन ने दसवां में 80 नंबर लाया, बारहवां में 95% लाया, लेकिन 5 साल बाद वही बहन, वही भाई उदास हो जाता है, क्योंकि नियोजन नहीं है, क्योंकि हमारे पास नियुक्तियां नहीं है, हमारे पास पॉलिसियां नहीं है। इसलिए सवाल बनता है कि मणिन्द्रनाथ मंडल ने जो शहादत दिया था अलग राज्य के निर्माण के लिए, अलग राज्य कहां है? कहां है अलग राज्य? इस अलग राज्य का नाम है झारखंड, विधायक के बक्सर का। कहां है अलग राज्य बताइए? इस राज्य का नाम है झारखंड, सांसद है बलिया का। कहां है अलग राज्य हमको बताइए? बताइए, हमको उत्तर दीजिए। इसी राज्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ बना है, इसी राज्य के साथ उत्तराखंड बना है, 2014 में तेलंगाना बना है। मैं कुछ दिन पहले तेलंगाना गया था, वहां के डॉक्टर, अब डॉक्टर लोग पढ़े लिखे होते हैं, चूंकि लोगों को लगता है कि नहीं, लड़का लोग पढ़ा लिखा नहीं है, इन लोगों के पास थॉट्स नहीं है, तो मैं खुद पीएचडी का छात्र हूँ। वहां के एक डॉक्टर से मैं बैठा था, मैंने पूछा, मैडम आप कहां से हैं? बोला, हम तो आंध्र प्रदेश से हैं। बोला, तेलंगाना में आप जॉब कर रहे हैं? बोला, नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर है, इसीलिए हम जॉब कर रहे हैं, अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर होता तो हमको अधिकार नहीं था तेलंगाना की नौकरियों में, कोई अधिकार नहीं था तेलंगाना की नौकरियों में। हमने पूछा, दीदी आप ऐसा क्यों कह रहे? बोला, भाई तुम्हें बताऊंगा, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग क्यों? आंध्र प्रदेश के लोग भी तेलुगु बोलते हैं, तेलंगाना के लोग भी तेलुगु बोलते हैं, तो अलग राज्य क्यों मिला? अलग राज्य इसीलिए मिला कि तमाम योजनाओं का लाभ उस क्षेत्र के लोगों को मिले, तमाम नौकरियों का लाभ उस राज्य के लोगों को मिले। ठेकेदारी हो, आउटसोर्सिंग हो, कोई भी काम हो, उस क्षेत्र के निवासी को मिले। आप चले जाइए धनबाद, यहाँ से 5 किलोमीटर है, जो भी लोग हैं